उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अल्पसंख्यक मोर्चा की यही ललकार, 2024 में फिर मोदी सरकार। प्रयागराज सिविल लाइन में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष भाजपा प्रयागराज राजेंद्र मिश्रा ने माला पहनकर जियाउल हक भाजपा नेता अल्पसंख्यक मोर्चा का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। और वहीं पर महानगर जिला अध्यक्ष भाजपा प्रयागराज राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पूरा देश आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। भारतीयों को भगवान के रूप में मान करके सेवा का संकल्प लेकर के इस देश की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के लोगों को ईमानदारी और विश्वास के साथ उनके द्वारा देशवासियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जुड़ रहे हैं। और वही जियाउल हक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने जो सम्मान दिए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं और हमारे जिले में नवाब भाई और उनकी जो टीम काम कर रही है, उनका और उनकी टीम का हृदय से सम्मान करता हूं। और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 400 ज्यादा सीटों जीत कर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष जियाउल हक मोदी मित्र सह संयोजक काशी क्षेत्र सब्जी मंडी 85-99 चौक प्रयागराज, बिलाल अहमद, मोहम्मद शरीफ, कामरान अंसारी एडवोकेट, अनीस अहमद, अजय हे गौरव गुप्ता मंडल अध्यक्ष, नवीन शुक्ला एडवोकेट भाजपा नेता, संजय कुशवाहा मंडल अध्यक्ष, प्रीतम नगर क्षमा दुबे, राजेश गौड, महफूज अहमद जिला उपाध्यक्ष, राजेश सिंह पटेल शहर पश्चिम विधानसभा संयोजक आदि लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रयागराज के राजेंद्र मिश्रा जी ने, अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है, मैं उनका हृदय दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हम अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं और हमारे ज़िले में नवाब भाई हैं और उनकी पूरी टीम है, हम चाहते हैं कि हम सब सहयोग से एक दूसरे के लिए हर जगह खड़े हों और हमारे प्रयागराज से लेके पूरे यूपी शहर में जितनी जगह हैं, हम अल्पसंख्यक मोर्चा के बासित अली साहब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं, हम उनको दिल से बधाई देते हैं कि उन लोगों ने हमको जिम्मेदारी जो दी है, हम उसका निर्वहन पूरी अच्छी तरीके से करें। और 2024 में हमारे आदरणीय मोदी जी दोबारा चुन के आ रहे हैं और 400 से ज़्यादा सीटों के साथ वो जीत के आ रहे हैं। इस पे हम लोग जो काम कर रहे हैं और इसका विज़न जो है, हमारे आदरणीय योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी बहुत विकास किया है और केंद्र और राज्य सरकार मिल के जो विकास किया है उसके साथ हम बहुत खुश हैं। माइनॉरिटी के लोग जुड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज जुड़ रहा है, घर घर प्रचार भी हो रहा है और सारा देश मोदी जी के साथ है। और हम आदरणीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और पूरी पूर्ण बहुमत के साथ हम दोबारा 2024 में सत्ता में आ रहे हैं। जी, हमारा नाम जियाउल हक है, मैं शहर पश्चिम तिवारी तालाब अहमदपुर असरौली गाँव का रहने वाला हूँ और मैं एक सम्मानजनक मौलाना मकबूलुद्दीन का छोटा बेटा हूं और वो एक सम्मानित व्यक्ति थे और इस शहर का, प्रयागराज का, पूरे यूपी से लेके दीगर राज्यों में भी उनका बहुत ही सम्मान के साथ उनको जाना जाता था और बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे और उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है। और हम भी उसी विचारधारा को लेके और आदरणीय मोदी जी की जो विचारधारा है और देश के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, हम अपने तन मन धन से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरा देश आज मोदी जी को स्वीकार कर रहा है, आदरणीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को भगवान के रूप में मान करके सेवा का संकल्प लेकर के इस देश के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के लोगों को
ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण उनके प्रभाव के कारण और उनके द्वारा देश के अंदर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले पिछड़े शोषित और समाज के जो बहुत निचले पायदान पर लोग हैं, उनकी जब चिंता कर रहे हैं, तो समाज के सभी धर्म और सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। हमारे भाई जियाउल हक जी भी राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हैं और आदरणीय मोदी जी के कार्य से बहुत प्रभावित हैं और पूरी तरह से ये इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। इन्होंने अपने आवास में मुझे बुला करके सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया था और 2024 में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट प्रयाग से जीते, उसके लिए सब लोग कमर कस के तैयार हो गए। मेरी शुभकामनाएं हैं और स्वागत है।